एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज हम खड़े हुए हैं सिद्ध पावन तीर्थ बागेश्वर धाम में। आप मेरे पीछे अगल बगल यहाँ वहाँ जहाँ पे भी देखेंगे आपको मंडप नजर आएंगे। मंडप में वर वधु तैयार बैठे हुए हैं। यहाँ से धाम से आज 156 बेटियों को बागेश्वर धाम परिवार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज विदा करेंगे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि तमाम वर पक्ष और वधु पक्ष के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और मंडप लगे हुए हैं। क्रम से उनकी संख्या है 156। यहाँ पर बेटियों की विदाई होगी। जिस तरफ नज़र घुमाएंगे आपको सजे हुए पंडाल और मेरे ठीक पीछे दहेज का जो सामान है, पंचम बुंदेलखंड महोत्सव का वो सामान वहाँ पर सजा हुआ है। आप देख सकते हैं कि जगह जगह मंडप बने हुए हैं और लोग लगातार पहुंच रहे हैं धाम में। हमारे साथ एक दूल्हे राजा है, दूल्हे राजा से मिलते हैं। एक दूल्हे हैं, इनसे दूल्हे राजा से जुड़ते हैं। सबसे पहले आपका शुभ नाम क्या हुआ भैया? राहुल सविता। कहाँ से है? मऊरानीपुर। मऊरानीपुर से हैं। अच्छा, आपकी जिनसे शादी हो रही है वो वधु कहाँ की है? ये टीकमगढ़ जिला निबोरा। निगौरा की है। अच्छा, शादी से पहले उनको आप जानते थे? नहीं। आपकी यहीं पर धाम में ही शादी फिक्स हुई है? हाँ, फिक्स हुई है। अच्छा, धाम में आज आपकी शादी हो रही है। आपकी इस शादी के गवाह करीब 20 लाख लोग बनेंगे। कितनी खुशी हो रही है आपको? बहुत खुशी हो रही है, बहुत बहुत खुशी हो रही है। धाम के बारे में क्या कहना चाहते हैं? धाम के बारे में हमेशा बताया गया है कि धाम में पैसे लगते हैं, गुरु जी बड़े लोगों से मिलते हैं, फिक्स होता है सब कुछ। ऐसा कुछ नहीं है ना, एक भी पैसा नहीं लिया गया, ना किसी ने मांगा है, ना कोई पैसा लगा है। इसी प्रकार से होता रहा, कोई भी दिक्कत नहीं। बढ़िया, अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, बढ़िया। एक ऐसी शादी आपकी यहाँ से सम्पन्न हो रही है जो एक मध्यम परिवार अपनी पूरी कोशिश करने के बाद शादी करता है। दहेज का हर वो सामान आपको दिया जा रहा है यहाँ से धाम से जो आपके दाम्पत्य जीवन में जरूरी है। साथ में एक HF डीलक्स बाइक जिसकी कीमत लगभग 90,000 रुपए के समथिंग होगी। कैसा लग रहा है? बहुत 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 अच्छा लग रहा है। आपके साथ कौन आए हुए? हमारे चाचा जी। चाचा जी हैं। अच्छा, आपके भतीजे की यहाँ शादी हो रही है और लोगों की बारात में 500,000 लोग जाते हैं तो लड़की वाले बोल देते हैं हम व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। यहाँ आपके लड़की की शादी में 20 लाख लोग आए हैं। जी सर, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। इसी प्रकार से होता रहा है, सब लोगों का भाग्य उदय हो, गरीब लोगों का मतलब विस्तार हो, अच्छे लोगों का साथ। अच्छा, पूरे बुंदेलखंड के लोग यहाँ आ रहे हैं, पूरे देश विदेश के लोग आ रहे हैं और गुरु जी ने इसको बुंदेलखंड महाकुंभ का नाम दिया है। तो इस महाकुंभ में आप भागीदारी निभा रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, अच्छा लग रहा है। अच्छा, अभी आपकी जो वधु है वो आ गई है यहाँ मंडप? तैयार होने। अच्छा, तैयार होने। आज इन्हीं का दिन है तो दूल्हे राजा से मिलते हैं और उनसे पूछते हैं। भैया, सबसे पहले आपका शुभ नाम क्या हुआ? अनुज पाठक। कहाँ से हैं? देवेंद्रनगर। कहाँ से? देवेंद्रनगर। देवेंद्रनगर से हैं। अच्छा, आपकी यहाँ धाम में शादी हो रही है जी, तो कैसा महसूस हो रहा है? कितनी खुशी हो रही है? बहुत बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, धाम से कब से जुड़े हैं आप? काफ़ी टाइम से जुड़े हैं। अच्छा, जिनसे आपकी शादी हो रही है उनको आप पहले से कभी जानते थे? नहीं, पहले से नहीं जानते थे। वो कहाँ की? अब पता है आप? मतलब पन्ना की हैं वो। अच्छा, मतलब जब ये फॉर्म भरे गए हैं उसके 6-7 महीने पहले से जानते हैं। अरेंज मैरिज है आपकी? हाँ है? अच्छा, धाम में लोग आने के लिए तरस रहे हैं। इस समय पे आप देख रहे हैं कि किसी की शादी होती है तो 1,000 लोग, 500 लोग बारात में जाते हैं। आप ऐसे दूल्हे हैं कि जिसकी लाखों में बारात आई है। बिल्कुल सही बात है। और आप एक ऐसा पिता आपका कन्यादान करेगा जिसकी स्वयं की शादी नहीं हुई है। कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा, अच्छा लग रहा है। चलिए चलते हैं दुल्हन के पास, थोड़ा सा उनसे भी लेते हैं जानकारी। सबसे पहले तो हमारी दीदी से उनका नाम जानते हैं। दीदी, आपका नाम क्या हुआ? प्रीति तिवारी। कहाँ से हैं आप? पन्ना से। पन्ना से हैं। अच्छा, आपकी यहाँ धाम से शादी हो रही है, आप बात करें तो धाम से कब से जुड़ी हुई हैं? धाम से को काफी साल हो गया, जब से यहाँ से स्टार्टिंग ही था महाराज जी का। स्टार्टिंग से है जी। अच्छा, आपकी शादी हो रही है, खूब दहेज मिल रहा है जी। और आपके लिए बागेश्वर धाम के जो पंडित जी हैं वो बाइक भी दे रहे हैं ताकि जब बागेश्वर धाम आना हो तो आपके पति कोई बहाना ना बना सके। कैसा लग रहा है आपको? आप इतने पावन तीर्थ से आपकी शादी हो रही है। लग रहा है कि हमारे गुरुजी हमारा कन्यादान ले रहे हैं, गुरुजी शादी कर रहे हैं हमारी। अच्छा लग रहा है जी। और आपकी शादी में लड़की वालों की तरफ से लाखों लोग आए हुए हैं जी। हम भी लड़की वाले हैं और आपके भैया हैं।
कितनी खुशी हो रही है आपको? खुशी हो रही है। हम यहाँ पर खड़े हुए हैं एक और पंडाल में। यहाँ पर 156 जिन कन्याओं का विवाह किया जाना है उनके एक दूल्हे राजा हमारे साथ में बैठे हुए हैं। भैया से इनका परिचय जानेंगे। भैया सबसे पहले आपका शुभ नाम क्या हुआ? सूरजभान सिंह। कहाँ से है? मऊरानीपुर। मऊरानीपुर यूपी से हाँ। अच्छा, आप यहाँ पर धाम में कब से जुड़े हुए हैं? वो तीन साल हो गए। अब क्या करते हैं? ड्राइवरी करते हैं। अच्छा, जिनसे आपकी शादी हो रही है वो कहाँ की है? पन्ना की है। उनको पहले से जानते थे आप? हाँ, रिलेशन से। अच्छा, रिलेशन से है। अच्छा, आप खुश नहीं दिख रहे हैं। अच्छा, काम ऐसे हंसी है। शादी हो रही है आपकी, बारात में लाखों लोग आए हैं। आपके गांव में आप ऐसे पहले होंगे शायद कि जिसकी बारात में लाखों लोग गए हैं। पहले ही इसके पहले नहीं तो 500,000 लोग जाते हैं बारातों में। तो खुश रहिए, बड़ी खुशी से हो रही है शादी। अच्छा, दहेज मिल रहा है, मोटरसाइकिल मिल रही है। मोटरसाइकिल मिलेगी तो बहू को यहाँ पे लेके आएंगे, बीवी को बागेश्वर धाम दर्शन कराएंगे। बिल्कुल आएं, लेवा के लाओगे। अच्छा, कितनी खुशी हो रही है कि शादी हो रही है? एक तो शादी हो रही है, सकते इतनी खुशी हो रही है यहाँ से धाम से, बयान नहीं कर सकते अपनी जुबान से। ठीक है, बहुत खुश है। अच्छा, धाम के बारे में, गुरु जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? गुरु जी की यह परम्पार लीला है, उनके बारे में नहीं कह सकते कुछ। इन्हीं से हो रही है सर। दीदी हैं, दीदी से जानते हैं। दीदी, आपका शुभ नाम क्या हुआ? साधना यादव। पन्ना से हो आप? हाँ। अच्छा, धाम से आपकी शादी हो रही है, कितनी खुशी है? बहुत। चेहरे से नहीं दिख रही है, लेकिन दिख क्यों नहीं रही है? बहुत खुश है। बहुत खुशी है। हाँ। अच्छा, आपके जो पापा जी हैं वो क्या करते हैं? पापा जी नहीं है। अच्छा, पापा जी नहीं है। कितने लोग हैं परिवार में अभी? 4 लोग हैं, मम्मी, 2 भाई हम। अच्छा, 2 भाई हैं और मम्मी है। हाँ। अच्छा, आपकी शादी हो रही है ऐसे पावन धाम से हो रही है, दहेज में भी जो लगभग सब सामान जिसकी जरूरत होती है वो सब सामान मिल रहा है। हाँ। कितना अच्छा, खुशी हो रही है आपको? बहुत खुश है। हम, हमारे परिवार वाले भी बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं। हाँ। अच्छा, हमेशा ये बताया गया है कि धाम में सेटिंग बहुत चलती है, रईस लोगों को जोड़ा जाता है, बड़े बड़े लोगों से महाराज मिलते हैं। हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा, जब आपकी शादी हुई तो आप कैसे जुड़ी धाम से, मतलब शादी का फार्म भरा, कुछ बताएंगे इसके बारे में? यहाँ पे जब हम आए थे तो यहाँ से पूछा, हमारे यहाँ पे फॉर्म भरा, 1 रुपए भी नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगा। धाम से कुछ लोग गए थे? हाँ, देखने गए थे, जानकारी लेने। हाँ। घर कैसा है आपका? हमारा घर मकान जो आप जहाँ रहती हैं अभी, आवास का बना है। आवास का बना। हाँ। चलिए, अब तो आप खुश हैं ना? हाँ, बहुत खुश हैं। भैया के बारे में, भैया आपका शुभ नाम क्या हुआ? सचिन विश्वकर्मा। कहाँ से हुए आप? गुहारा पुत्रीखेड़ा। क्या काम करते हैं? बिल्डिंग का काम करते हैं। अपना खुद का ही काम है जी। अच्छा, आप यहाँ पर धाम में कब से जुड़े हुए हैं? 2-3 साल हो गए। 2-3 साल से जुड़े हुए हैं धाम से। आपका यहाँ पर विवाह हो रहा है जी। और आपका जिस दिन विवाह हुआ है उस दिन शिव पार्वती का विवाह हुआ था, यानी कि महाशिवरात्रि के दिन। कितनी खुशी हो रही है इस बात को लेकर? बहुत खुशी हो रही है, सीना गदगद हो रहा है। सीना गदगद हो रहा है। और आप इस पावन बागेश्वर धाम में लाखों लोगों के बीच में एक विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं, इस बात को किस तरीके से व्यक्त करेंगे? गुरु जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, गरीब कन्याओं को साथ दे रहे हैं। साथ दे रहे हैं। अच्छा, आपको यहाँ से तो तमाम तरीके का दहेज में सामान भी मिलने वाला है, HF डीलक्स बाइक भी मिलने वाली है। लोग फिर भी बोलते हैं कि यहाँ पर सब कुछ सेट होता है, गुरु जी हमेशा रईस लोगों से बात करते हैं, मिलते हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है? ऐसा कुछ नहीं है। गरीब लोगों से कृपा होती है। अच्छा, एक हमारे साथ दीदी है जी। भैया आपके कौन हैं? भैया मेरे भतीजा है वो। आपके भतीजे? आप बुआ हैं? हाँ जी। तो बुआ को तो बड़ी खुशी होती है। और क्या है, कहीं नहीं है खुशी, सबसे ज्यादा खुशी है, सबसे ज्यादा खुशी है। अच्छा, धाम में इतनी व्यवस्था की गई है, इतना बड़ा अरेंजमेंट किया गया है, आपके भतीजे की भी शादी हो रही है जी सर, तमाम लोग आ रहे हैं, जो आपको सुन रहे हैं टीवी में देख रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहती हैं धाम को लेकर? धाम को लेकर बड़ी उपकार करेंगे, उसके लिए अच्छे ही से जाने जाएगा, अच्छा धाम ऐसे ही चला रहेगा, आगे चल के और ज्यादा भी ऐसे ही चलता रहेगा। भैया हमारे साथ पंडित जी, आपका भैया क्या नाम है? ध्रुव विश्वकर्मा। भगवान से जी। भैया कौन है आप? जी हमारे भैया हैं।
बड़े भैया। बड़े भैया। अच्छा आपकी भाभी आने वाली है और ऐसे पावन धाम में आपके भाई की शादी हो रही है, कितनी खुशी हो रही है? बहुत ज्यादा खुशी है और हमारे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का ये बहुत ही अच्छा कार्य किया जा रहा है, एक गरीब कन्याओं के लिए एक बहुत बड़ा सहारा है, क्योंकि हर धाम पे ऐसा नहीं किया जाता है, गुरु जी अपने लिए ही सोचते हैं, गरीब कन्याओं के लिए सोचते हैं, और एक बहुत ही अच्छा कार्य किया जा रहा है। जो लोग कहते हैं कि यहाँ पर बड़े लोगों से मिलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, गुरु जी छोटे से छोटे लोगों से मिलते हैं और उनके लिए कार्य करते हैं, और एक हिंदू राष्ट्र को बनाने के लिए बहुत बड़ा संकल्प देते हैं और एक हिंदुओं को जगाने का कार्य करते हैं और सभी प्रकार से गरीब लोगों का साथ देते हैं। उनका सिद्धांत ये है कि कोई चीज अगर बड़े लोगों से अपन को मिल रही है तो उनसे ले ली जाए और छोटे लोगों में वितरित कर दी जाए, इसमें क्या दिक्कत है, जो जरूरत जरूरत वालों के लिए इसमें क्या बुराई है? जैसा कि अंकल जी ने भी बताया कि गुरु जी कभी किसी से मुंह से नहीं मांगते हैं, उनको गरीब लोगों की मदद करने के लिए बड़े लोगों की भी साथ की आवश्यकता है, क्योंकि जब वो बड़े लोगों से लेंगे जभी तो गरीब लोगों में बांटेंगे। तो यहाँ पर बागेश्वर धाम में आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं, सबसे बड़ी चीज एक उन्होंने जो अहम मुहिम चलाई है कि धार्मिक स्थानों के चंदा का पैसा, जो चढ़ोतरी का पैसा कन्याओं के विवाहों में लगता है, इससे बड़े बड़े भी धनाढ्य तीर्थ स्थान हैं, उनको ये सोचने को मजबूर कर दिया है गुरुजी ने कि वो पैसा कहाँ लगाएं। जैसा कि अभी महाराज जी ने बताया कि तमाम ऐसे बड़े बड़े मंदिर हैं जिनमें लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति है, लेकिन उन धामों से भी इस तरीके से गरीब असहाय कन्याओं के विवाह का कार्य नहीं किया जाता है। उन्होंने एक ये भी बात करी है कि गुरु जी ने अब एक मुहिम छेड़ दी है और उन मंदिरों के लिए, उन मठों के लिए भी एक चुनौती पेश कर दी है, जो बड़े बड़े मठ होने के बाद भी ऐसी गरीब असहाय कन्याओं का विवाह अपनी संपत्ति से नहीं करते हैं। बागेश्वर धाम में हम लोग अभी दिन भर बने हुए हैं और तमाम जानकारी के लिए हमारे चैनल छतरपुर एक्सप्रेस से जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई किसी खबर के साथ। नमस्कार, जय सियाराम, जय बागेश्वर।